हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्जी। बिल्कुल देसी स्टाइल में हम बनाएंगे आज सोयाबीन की सब्जी। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 टमाटर और 3 प्याज ले लेंगे। अब इसे हम अच्छे से काट लेंगे। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल के और हम यहाँ पे 1 कटोरा के करीब सोयाबीन ले लिए हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब हमारा सोयाबीन फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक एक करके अच्छे से 1 कटोरे में निकाल लेंगे। सोयाबीन को अब हम अलग एक साइड रख के अब चलते हैं हम आगे की प्रोसेस। अब कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 2 चम्मच के करीब तेल डालकर इसे गर्म करें। गर्म होने के बाद अब इसमें हम जीरा और मिर्च डालेंगे और इसमें कुछ तेजपत्ता डालेंगे और इसे हम अच्छे से चलाएंगे। अब बारीक कटा हुआ 3 प्याज इसमें डाल के इसे धीरे से चलाएं। प्याज हमारा यहाँ पे भून चुका है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक। हमें इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए हमने इसमें और नमक डाल के और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसमें एक थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से भूनेंगे। इसमें 2 टमाटर डालेंगे। देखिए हमारे मसाले के कलर कितने अच्छे आए हैं। अब मसाले में से तेल अलग हो रहे हैं। अब सोयाबीन इसमें हम ऐड करेंगे। दो मिनट तक हम मसाले के साथ सोयाबीन को भूनेंगे। इसमें हम 1 ग्लास पानी डालेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ये देखिए हमारे सोयाबीन कितने बड़े बड़े फूल चुके हैं। एक चम्मच मीट मसाला डाल के और यहाँ पे चलाएंगे। अब हमारा सोयाबीन की सब्जी बनके तैयार हो चुका है। अब इसे हम 1 कटोरे में निकाल लेंगे।
ये देखिए हमारे सोयाबीन की सब्जी बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को विजिट करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।